जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी बनने के लिए 411 पदों पर विज्ञप्ति आ चुकी है और अब फॉर्म भरने की आवेदन तिथि भी हो चुकी है। अब क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, इस पर एक सेपरेट वीडियो हम बना दे रहे हैं और इसका पाठ्यक्रम के इस पर मैंने वीडियो बना ही देख लीजिए। वैसे फिर भी इस वीडियो में हम इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और 411 एक बड़ा पदों पर भर्ती होने जा रही है और आपके लिए सुनहरा मौका है समीक्षा अधिकारी बनने का। ये भर्ती UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराती है और ये एक तरह से देखा जाए तो PCS के बराबर पद माना जाता है। और किन किन पदों पर भर्ती होनी उस पर भी हम बात करेंगे। इसमें दो तरह के पद होते हैं, एक समीक्षा अधिकारी होता है जिसे हम RO कहते हैं, दूसरा सहायक समीक्षा अधिकारी जो ARO के नाम से जाना जाता है। कुछ पदों के लिए इसके लिए अलग से जैसे ओ लेवल की डिग्री चाहिए, कुछ के लिए कॉमर्स के लिए, कुछ के लिए हिंदी टाइपिंग भी जरूरत है, इंग्लिश टाइपिंग की भी जरूरत होती है। लेकिन कुछ पद ऐसे भी हैं जिसमें सामान्य जो ग्रेजुएट अभ्यर्थी है, स्नातक के अभ्यर्थी है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो 411 पद एक बड़ा पद है, अभी तक उम्मीद लगाई जा रही थी कम पदों पर भर्ती होगी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर जो इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है, समीक्षा अधिकारी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, आदि परीक्षा 2023 संक्षिप्त विज्ञापन, इसका जो संक्षिप्त विज्ञापन आ गया है, इस सब परीक्षा का जो विस्तृत विज्ञापन है वो 9/10/2023 आयोग की वेबसाइट पर होगा। मतलब 9 अक्टूबर से इसकी जो कंप्लीट वेबसाइट, जिसकी वेबसाइट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जो हम upsc.up.nic.in पर हम देख पाएंगे, वहां पे पूरी जो कंप्लीट विज्ञप्ति है वो देखने को मिलेगी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसको पहले मैंने बताया। सबसे पहले आपको OTR करना होगा, OTR करने के बाद ही, मतलब OTR फॉर्म भरने के बाद फिर ही आप दूसरी चरण में आप इसे आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे शुल्क जमा करने और प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफाइल जो प्रोफार्मा है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के विषय का जो पाठ्यक्रम है इस पर मैंने वीडियो बनाया, आज भी मैं इस पर चर्चा करूंगा। आज मैं इसे शॉर्ट में जानने का प्रयास करूंगा। इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, मैंने जिसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं, नकारात्मक होंगे, 200 अंकों के प्रश्न होंगे, दो भागों में डिवाइड होंगे। भाग एक जो होगा, जो प्रश्न पत्र प्रथम होगा, उस GS GK विविध और मैथ रीजनिंग से 140 सवाल होंगे। दूसरा होगा जिसमें 6 टॉपिक हिंदी के होंगे, 60 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 200 प्रश्नों का पेपर होगा पहले दिन, जो प्रारंभिक परीक्षा होगा। उसके मेरिट के आधार पर फिर आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। तो यहाँ पर उनके पाठ्यक्रम के केंद्र जिलों के नाम, आरक्षण, आयु में छूट के संबंध में निर्धारित जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं आदि उपलब्ध रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों को एकल जो अवसरी पंजीकरण, जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात अर्हता होने की स्थिति में ही आवेदन करें। अब यहाँ पे देखिए जो खास चीजें आपके सामने आ रही हैं, वो जो जानना आपके लिए जरूरी है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 411 पदों की संख्या अगर हम बात करें, 411 है, जो परिस्थितियों के अनुसार घट बढ़ सकती है, हमारी परिस्थितियों के अनुसार घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो प्राय हमने देखा है कि पद बढ़ते हैं, घटते नहीं है, तो इस उम्मीद से कयास लगा जा सकते हैं, हो सकता है निकट भविष्य में ये 411 से 600-500 पद हो सकते हैं, जो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, आप अपने आप को रिविजन करिए। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबें होती हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूंगा, उन किताबों के माध्यम से इस सफलता तक आप तेजी से और आसानी से पहुंच पाएंगे। जैसा कि विस्तृत विज्ञापन बिंदुओं में शैक्षिक अर्हता में दिया गया, जब हम विस्तृत विज्ञापन देखेंगे तो वहां पर इसका जिक्र किया गया है। अब हम शैक्षिक अर्हता की बात के लिए आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2023 से 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले न हो और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दिव्यांगजन हेतु अधिकतम जो आयु सीमा है वो 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अर्थात उनका जो जन्म जो है 2 जुलाई 1968 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम आयु के विषय में स्पष्ट हो गया है, विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधारित ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 9/11 होगी। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि जो आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी OTR के साथ रजिस्ट्रेशन करने की, वो 9 अक्टूबर से शुरू होगी और एक महीने तक लगभग चलेगी, 9 नवंबर तक ये परीक्षा का आवेदन लिया जाएगा। पर उम्मीद लगा रही जनवरी और दिसंबर के लास्ट में इसकी परीक्षा भी हो सकती है और परीक्षा की तिथि में भी आगे पीछे हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9/11/2023, मतलब यहाँ देख लीजिएगा कि 9 अक्टूबर से, माने कल से इसका आवेदन शुरू होगा और एक महीने तक इसमें आवेदन चलेगा। प्रयागराज में 7 अक्टूबर 2023, मतलब यहाँ पर ये जो खबर है वो 7 अक्टूबर 2023 की जो प्रयागराज से प्रकाशित की गई है, माने जो विज्ञप्ति है। तो अब आपको एकदम एक बात तो समझ में आ गया है कि अगर आप आवेदन करना चाह रहे तो आवेदन करने के लिए पहले आपको OTR करना है, OTR
भी 9 तारीख से शुरू हो गया, अगर पहले से भी कर ले कोई बात नहीं, 9 तारीख से 9 अक्टूबर से आवेदन शुरू होगा। और आवेदन शुरू होने के बाद आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को 9 तारीख को जिसकी वेबसाइट पर पूरी विज्ञप्ति डाउनलोड होगी, पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, उसे आप पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपना आवेदन करिएगा। वैसे जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने एक वीडियो बनाई है पूरा सिलेबस से संबंधित, उस पर जाके देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट को मैंने बताया समझाया है, तो वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 411 पद एक बड़ा पद माना जाता है, और आपके सिलेक्शन के लिए अगर आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं जोर लगा दें, क्योंकि देखिए हिंदी के 6 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने हैं, प्रत्येक टॉपिक से 10-10 सवाल आने हैं, तो 6 टॉपिक आपके हिंदी के हो गए, और जीएससी के अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, इसके लिए प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, अगर प्रारंभिक परीक्षा के लिए घटना चक्र इसके लिए अचूक है, और लेकिन इसके लिए जो आंकड़े सवाल आते हैं उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसकी नोट्स भी लर्निंग विद दुर्गेश पर आप चाहें तो मिल जाएगी, जीएस की पूरी नोट्स उपलब्ध है, जो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं, जहां पर संपूर्ण नोट्स पूरी आपको एक ही बार में एक ही जगह आपको मिल जाएगी, इसलिए आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप यहां से पूरा पूरा पढ़ पाएंगे। हम मानचित्र से भी सवाल को झोला भर भर के आते हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे यहाँ के पूरे तथ्य आप पढ़ लें और पूरे तथ्यों को अच्छी तरह से भी आप समझ लें। अब हम चलते हैं इसके पाठ्यक्रम सिलेबस को शॉर्ट में देख लेते हैं, इसकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कैसे होने वाली है। वैसे आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, मेरी निःशुल्क क्लासेस जीएस से शुरू होने वाली है, अगर आप कमेंट करेंगे हम किस विषय से शुरुआत करें, हम प्रतिदिन आपके लिए सेशन एक क्लास लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं तो लाइक करिएगा। अगर एनसीईआरटी अगर आपने अभी पढ़ लिया तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि 15 दिन में एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं 6 से 12 तक की, तो 6 से 12 तक की जीएस के लिए अगर एनसीईआरटी हम बात करें, इसमें आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, 9 से 12 इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, और जो पॉलिटिक्स की आती है वो आप पढ़ सकते हैं 6 से 12 तक, क्योंकि एक दिन में चाहेंगे तो एक नोट्स पूरी समाप्त कर लेंगे, माने एक विषय की 6 की 7 की 8 की, इस तरह से आप 15 दिन में पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर पाएंगे, जो आपको काफी प्रश्नों की जो शब्दावली होती है उसे पकड़ने में काफी मदद कर देगी। उसके बाद 6 से लेकर 10 तक की साइंस भी आपको पढ़नी है, तो 6 से लेकर 10 तक की साइंस, इतना आपको एनसीईआरटी का डेटा पढ़ना, अगर आपने इतना एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा परीक्षा में। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अगर पढ़ लिया तो फिर घटना चक्र पर इसके प्रीवियस ईयर पर फोकस करिए, जो आपको अंतिम सफलता तक लेकर चलने वाली है। अब हम इसके अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे जो है हम देख पाएंगे कि इसका जो पाठ्यक्रम है दो तरह से होता है। अगर हम बात करें जहां पे जीएस होता है, एक हो गया आपका जीएस, दूसरा है आपका हिंदी, ठीक है, जीएस और हिंदी। जीएस की अगर हम बात करें तो 140 प्रश्न आते हैं और हिंदी में 60, तो जो इसकी प्री परीक्षा होती है ये 200 अंकों की होती है। ये प्रीलिम्स परीक्षा जो होती है वो कितने अंकों की होती है, 200 अंकों की होती है। अब इस समय जो होता है 3 घंटे मिलता है, इस पेपर जो जीएस का होता है उसमें 2 घंटे का समय मिलता है और यहाँ पर 1 घंटे का समय मिलता है। इस प्रकार समय की बात करें तो 3 घंटे का समय आपको मिलता है। इसके जीएस जीके में क्या क्या पढ़ना है उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए सामान्य विज्ञान, जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया, आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है। सामान्य विज्ञान के लिए आप करंट से भी सामान्य विज्ञान के सवाल पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम साफ और स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए चीजें। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान सामान्य साइंस जो है, अगर हम बात करें एनसीईआरटी के लेवल में अगर यहाँ कहाँ सवाल आएगा, इसके में विस्तृत वीडियो मैंने बनाई है, आप उसे देख सकते हैं, इलर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब पर होगा, क्योंकि मेरी क्लासेस निःशुल्क रहती है, देशित में राशित में, टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं दुर्गेश सर सर्च करके, इलर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण वीडियोस की मैंने बना के रखी पूरे पाठ्यक्रम की। तो सामान्य विज्ञान जो है, जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस के लिए अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी 6 से लेकर, इसके लिए अगर एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली है एनसीईआरटी, तो जो एनसीईआरटी है वो 6 से लेकर 12 तक, इसके लिए 6 से लेकर 10 तक के लिए एनसीईआरटी आपको एक बार पढ़ लेनी होगी, ठीक है। और भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक भारत के इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, आर्ट एंड कल्चर है, तो इतिहास को हम 4 सेक्शन में पढ़ सकते हैं कि इतिहास ये 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर आपने घटना चक्र के इतिहास को सॉल्व कर लिया है तो ये काफी मददगार होगी आपके सिलेक्शन के लिए, आपके वीडियोज के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसा कि मैंने बताया भारतीय इतिहास का ही हिस्सा होता है। अब इसमें एक जनसंख्या, जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अभी आपने देखा है बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, वहां से परीक्षा में सवाल झोला भर भर के आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये जानते रहिएगा कि समीक्षा अधिकारी का एक रिकॉर्ड इतिहास भी रहा है कि यहाँ से जनसंख्या से खूब सारे सवाल पूछे गए हैं, जब भी परीक्षा हुई जनसंख्या से, आंकड़ों से, इकोनॉमिक्स के जो करंट आंकड़े थे वहां से खूब सवाल आए हैं। पर्यावरण और नगरीकरण, तो यहाँ पे देखिएगा ये भारत के परिप्रेक्ष्य में होगी, जनसंख्या होगी, पर्यावरण होगा, नगरीकरण होगा, तो जनसंख्या नगरीकरण हम एक साथ मिलाकर पढ़ लेंगे, पर्यावरण को आपको सीरीज के अध्ययन में पढ़ना होगा। इन सबकी नोट्स आपको मिल जाएगी। भारतीय राजतंत्र एवं अर्थव्यवस्था, जो हम
राजतंत्र की बात करते हैं तो हमारे मन में आ जाता है कि इस राजतंत्र में जो हमें पढ़ना है वो भारतीय संविधान की बात कर रहा है। अर्थव्यवस्था पढ़ना है तो ये अच्छा से लेकर भारत तक एनसीईआरटी में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इसकी जो महत्वपूर्ण किताबें आपको मार्केट में लगेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप जो घटना चक्र से पूरा पूरा सॉल्व करना है, और अर्थव्यवस्था और संस्कृति, संस्कृति की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही, तो इकोनॉमिक्स की जो हिस्ट्री की सीरीज में पढ़ने को मिल रहा था भारतीय राजव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में देखिए कॉमन सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद करेंसी के सवाल खूब आते हैं, माने करेंसी का जुड़ा हुआ सवाल खूब रहता है। और भारतीय कृषि एग्रीकल्चर भी यहाँ पूछे जाते हैं, अगर यूपीपीएससी परीक्षा करा रही, चाहे वो जेजीआईसी प्री हो, चाहे वो जीआईसी की हो, मतलब जिसे मल्टी ग्रेड कहते हैं, मतलब जो भी परीक्षा कराती, चाहे बीओ की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, सभी में जहां पर सिलेबस है जीएस, वहां पे कृषि एग्रीकल्चर भी यहां पे जरूर से देखने को मिलता है। उसके बाद वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार की बात करें तो आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिल जाता है, खासकर हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो वहां के भी वाणिज्य व्यापार को हमें पढ़ते हुए चलना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या था, फिर राजपूत युग आया तब क्या हुआ, मध्यकालीन भारत के इतिहास में कैसे था, आधुनिक भारत के इतिहास में कैसे था, तो ये चीजें आपको यहाँ पे कवर करने हुए चलती है। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, इसके लिए देखिए 6 से 12 तक की भूगोल अगर बेसिक पढ़ रखे हैं, इसके लिए भी आपके लिए सबसे जो बेस्ट होगी वो घटना चक्र होगी। प्रीवियस पेपर भी इसके लिए रामबाण होगा, लेकिन पीसीएस के अगर घटना चक्र आपने पढ़ लिया तो ये भी बहुत, मतलब इससे बाहर सवाल आपके लिए नहीं आएंगे। लेकिन अब प्रश्नों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, नए तरह सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप इलानी में दुर्गेश के नोट्स एक बार अगर आप कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो परीक्षा में बेहतर स्कोर करने में आपको काफी मदद मिलने वाली है। उसके बाद प्राकृतिक भूगोल जो हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए अनुभवों का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना चक्र, तो घटनाक्रम जो होता है जिसे हम करंट कहते हैं वो भी यहाँ से सवाल आते हैं, तो करंट भी आपको पढ़ते हुए चलना है। और सामान्य बौद्धिक क्षमता जो रजनी के सवाल है, 12 से 15 सवाल रजनी के आते हैं। यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल की बात करें, यूपी की इकोनॉमी, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की हिस्ट्री, यूपी की संस्कृति कल्चर, यूपी की लोकनीति, मतलब यूपी से जुड़ा हुआ एक तरह से जीएस आपको पूरा पढ़ना है, यूपी की एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, यूपी की इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसको भी आपको पढ़ते रहना है। साथ ही गणित के भी सवाल यहाँ पे आएंगे, कक्षा 10 स्तर के माने जाते हैं, जिसमें ज्यादातर अगर हम बात करें तो पाई चार्ट है, वेन आर आई के सवाल आते हैं, परसेंटेज के सवाल आते हैं, इस तरह के सवाल यहाँ पे खूब पूछे जाते हैं, काम समय चाल समय के सवाल आते हैं, व्यापार रहन सहन यूपी के बारे में होंगे विशेष जानकारी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जीएस का जो पहला पेपर है, जिसमें यहाँ पर टोटल देख लीजिए, अगर चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले, इसकी पीडीएफ बजे टेलीग्राम पर आपका मिल जाएगी, यहाँ पे जो टोटली है वो 140 नंबर का जो था वो बता दिया मैंने। इसके लिए आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर लेंगे, वो आपके परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। दूसरा यहाँ पे है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक आएंगे, और ये प्रत्येक टॉपिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रत्येक जो टॉपिक है वो 10 अंक का होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको जानते रहना हो, नकारात्मक अंक का प्रावधान है, और इसकी कटऑफ भी अलग अलग वीडियो बना दूंगा कि जब जब इसकी परीक्षाएं पिछले 10 साल में हुई है क्या क्या कटऑफ रही है, प्रीलिम्स की क्या रही है, मुख्य परीक्षा की क्या रही है, और अनुमानित अभी आने वाले परीक्षाओं में क्या कटऑफ रह सकती है। विलोम शब्द अगर हम बात करें तो 10 शब्द है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि अगर हम बात करें तो 10 सवाल आएंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द में 10 शब्द आएंगे, तत्सम से 10 सवाल, विशेष विशेषण से 10 शब्द, पर्यायवाची से 10 शब्द, इस प्रकार हम देखा जाए तो कुल यहाँ पे 10×6 टॉपिक सवाल आएंगे, 10×6 कुल यहाँ पे 60 सवाल पूछे जाएंगे, इनकी पूर्णांक भी 60 होगी। तो इस तरह से आप प्री परीक्षा प्रीलिम्स परीक्षा देख पाएंगे, मुख्य परीक्षा भी का जो पाठ्यक्रम उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि पहली जो बाधा है आपकी प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आप मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी के सहारे आप इसके अगले चरण की तरफ भी प्रवेश कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ तक की सीरीज अगर आपने पढ़ लिया है, समझ लिया, तो मुख्य परीक्षा को ध्यान से खाली ऐसे ही देख लीजिए। यहाँ सामान्य आलेख से सवाल आते हैं, ठीक है, जहाँ पे उसके बाद सरकारी पत्रचार सारणी हो गया, पत्रचार हो गया, परिभाषित शब्दावलियां होंगी, जैसे अंग्रेजी सिंधी, हिंदी अंग्रेजी होगी, मुहावरे लोकतियां होगी, कंप्यूटर ज्ञान हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी हिंदी जहाँ पर है विलोम है, वाक्य शुद्ध वर्तनी है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, और तद्भुत तत्सम विशेषण विशेष है, हिंदी में निबंध आते हैं, 3 टॉपिक पर है, साहित्य और संस्कृति पे, विज्ञान प्रमाण और प्रौद्योगिकी पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे। तो यहाँ पर ये हो गए, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके तरह से क्लियर हो चुके हैं। अब आपको अपनी तैयारी किस अंदाज में करनी है यह भी आपको ध्यान में रखना है, और उस पर भी अपना ध्यान आकर्षित करते हुए आगे बढ़ना है। इसके लिए आप चाहें तो नोट संबंधी जानकारी लेनी भी दुर्गेश पर है, जो शॉर्ट में बने हुए हैं, जो आपको कम समय में एक बार रिवीजन करने का काम आएंगे। बाकी जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपको नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि मैं भी पढ़ाया हुआ लेनी भी दुर्गेश के नोट्स को ही पढ़ लेता हूँ, जहाँ से काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देखिए उतना आसान है जितना लोग कह देते हैं, इसमें आपकी मेहनत और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर हद तक साबित होगा। इसलिए प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर पेपर के पढ़ने के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। और इसके लिए अगर चाहेंगे तो घटना चक्र के भी एक बार आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र कम समय में बेहतर तैयारी करा सकता है। लेकिन अब प्रश्नों का तरीका पैटर्न बदल रहा है, इसलिए नए पैटर्न के जो नोट्स है वो आप पढ़ लेंगे तो शायद आपके काम आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स खुद भी शॉर्ट में बना, चलिए समय कम है तो नोट्स बनाना आपके लिए थोड़ा सा संभव नहीं है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध
उपलब्ध हो जाएगी जो आप प्राप्त कर सकते हैं, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर इसकी प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट भी एक एक करके मिलती रहेंगी। और अगर कोई विशेष जानकारी तो पूछ सकते हैं, अगर आप आवेदन करने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामना। और आप अच्छा कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सा आपको लगता है वीक है, कहाँ कहाँ से ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसकी भी मैं एनालिसिस वीडियो बना दूँ अगर आप तैयार हो। अगर आप साथ दें तो मैं एक ऐसा सेपरेट वीडियो बना दूँगा अभी तक जो पूछे गए परीक्षा हुई है उसमें किस किस टॉपिकों से कहाँ कहाँ से कितने कितने प्रश्न आरओ की परीक्षाओं में आए, ताकि आपको तैयारी करने में विशेष मदद मिल पाएगी। लेकिन अगर आप स्नातक हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं दुर्गेश पर, तो लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, कट ऑफ क्या जा रही है उसकी वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट करिएगा ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर आएं। और आप इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा साथी मित्रों तक शेयर करने का पहुंचाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लोगों की मदद करते रहेगा ऊपर वाला आपकी जरूर मदद करेगा। यकीन मानिए आप रेस के घोड़े, और रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं खेत में, ये आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। 4 से 11 पद है, पद बढ़ भी सकते हैं, घटने की बात की लेकिन घटते कम है प्राय बढ़ते हैं, इसलिए आप लगे रहिए। इसका जो विस्तृत सिलेबस पाठ्यक्रम उसकी मैंने वीडियो डाल के रखी है, तो आप UPSC RORO सिलेबस दुर्गेश सर या इलेनी में दुर्गेश डालिएगा, आ जाएगा, उसे आप देख पाएंगे यूट्यूब पर। कंप्लीटली बताया मैंने कौन कौन सी किताब किस किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये वीडियो अपने साथियों तक पहुंचाएगी, वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो लाइक करेगा, वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लोगों तक पहुंचाते रहेगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। हम आपके लिए इस तरह से वीडियो लेक्चर लेकर आते रहेंगे, मेरी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क होंगी, बस आप विषय का नाम बताइएगा, हम तेजी से आपके लिए नोट्स की जो सीरीज है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।